कभी सोचा है आपने कैसा था वो जमाना जब रेल बहुत धीरे चलती थी और सफर बहुत लंबे होते थे। आज तो हाई स्पीड रेल लगभग 120 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वहीं आजादी से पहले सिर्फ 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती थी। ना ही तब रेल इंजन्स आज के जितने आधुनिक थे। इंजन्स को ओवरहीटिंग और फटने से बचाने के लिए एक निश्चित दूरी पर रोककर आराम देना भी जरूरी था। जो सफर आज कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है, उसी सफर को पूरा करने में कभी दिनों और कभी कभी हफ्ता भर लग जाता था। और सफर की तैयारी भी थोड़े अलग तरीके से की जाती थी। तो फर्ज करते हैं आप 1909 में दिल्ली से पेशावर के लिए रेल में यात्रा करने जा रहे हैं, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़े तो एक तरफ धुआं रेल के इंजन से आए और दूसरी तरफ रेल की खिड़कियों से। रेल के डिब्बे में चूल्हे से खाना पकाने पर धुआं तो निकलेगा ही, और हाँ पानी के लिए आमतौर पर सुराही या छोटे मटकों का इस्तेमाल किया जाता था। और इस लंबे सफर में आखिर सुराही का पानी कितना चले, दोबारा भरने के लिए आप गुजरांवाला स्टेशन पर उतरे। लेकिन कैसा लगे आपको जब रेलवे स्टेशन पर आप पानी भरने के लिए उतरे और पानी बेचने वाला आवाज लगाए, हिंदू पानी ले लो, और साथ वाला आवाज लगाए, मुसलमान पानी ले लो। कौन सा पानी लेंगे आप? एक ही मिट्टी का बना मटका और एक ही कुएं का वही पानी, जब उसे हिंदू बेचे तो वो हिंदू पानी बन गया, और मुसलमान बेचे तो वो मुसलमान पानी बन गया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान जीतने में सबसे बड़ी कामयाबी डिवाइड एंड रूल से मिली, और हिंदू पानी मुसलमान पानी भी उसी की एक कड़ी थी। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल के खिलाफ लड़ने में लगा दी। हिंदू पानी मुसलमान पानी के खिलाफ पहली मजबूत आवाज भी उन्होंने ही उठाई। मौलाना के इस आंदोलन में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू और सिख भी जुड़े। 1929 में एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। अब पानी बेचने वाले दो नहीं सिर्फ एक आदमी था, और ऊपर लिखा था ये पानी सबका है। आज के हिंदुस्तान